केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। हाल ही में मेरठ विकास प्राधिकरण ने शहर के चारों तरफ बिना नक्शा स्वीकृत बनाए जा रही कच्ची कॉलोनियों की एक सूची जारी की है। ये वह कॉलोनियां हैं जिन्हें लोगों ने खेतों की जमीन बीघे में लेकर फुट के हिसाब से बेचने की प्लानिंग तमाम लोगों ने की है। इन लोगों में तमाम नामी ग्रामीण लोग भी शामिल हैं। इस सूची में शहर में बनाई जा रही 366 कच्ची कॉलोनियों का जिक्र किया गया है। प्राधिकरण के नवनियुक्त वीसी ने एमडीए के बाहर भी एक होर्डिंग इस आशय का लगा दिया गया है कि कच्ची कॉलोनी में घर के लिए जमीन न खरीदें। बेहतर होगा कि प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कॉलोनियों में ही घर बनाया जाए। इस सूची ने प्राधिकरण के नियोजित शहर की परिकल्पना को बड़ा झटका दिया है। गंभीर बात यह भी है कि शासन के नियोजित विकास योजनाओं को पार्टी से जुड़े तमाम लोग ही पलीता लगा रहे हैं। इस सूची की विशेष बात यह भी है कि इसमें बनाने वालों का नाम का तो उल्लेख किया गया है, लेकिन कच्ची कॉलोनी के नाम को यहां भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। ऐसे में खरीदार कैसे कच्ची कॉलोनी बनाने वालों के मकर जाल में फंसने से खुद को बचाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के तबादले के बाद काफी समय एमडीए बिना वीसी के रहा है। कुछ समय डीएम पर वीसी पद का चार्ज रहा, लेकिन यह प्राधिकरण स्टाफ व अवैध कॉलोनियां बनाने वालों के लिए मुफीद था। शहर के बाहरी इलाकों में जिधर भी नजर डालो वहीं कच्ची कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। अब इस नव नियुक्त वीसी अभिषेक पांडे ने इन पर अंकुश लगाने की पहल की है। इस पहल में कच्ची कॉलोनियों की एक सूची जारी की गई है। इनकी संख्या 366 है। चार जोन में बटे मेरठ में सर्वाधिक कच्ची कॉलोनियां जोन बी में बनी है। इन पर अंकुश लगाने के लिए एमडीए ने अवसर अभियंता वैद्य प्रकाश अवस्थी, राकेश पंवार, कंवल सेन, पंकज वैद्य प्रकाश अवस्थी के साथ लंबी चौड़ी फौज तैनात की है। दूसरी सर्वाधिक कॉलोनियां जॉन सी में 102 काटी गई हैं। इनके लिए सर्वेश गुप्ता, महादेव शरण अवर अभियंता तैनात हैं। तीसरे नंबर पर जॉन डी है, यहाँ 45 कच्ची कॉलोनियां काट दी गई हैं। इन्हें रोकने के लिए मनोज सिसोदिया, संजय वरिष्ठ, धीरज यादव तैनात हैं। जॉन ए में 43 बिना नक्शा स्वीकृत कराए कॉलोनियां काटी गई हैं। इन्हें रोकने के लिए अवसर अभियंता यशपाल, सोमेंद्र प्रताप सिंह, ओमपाल सिंह जिम्मेदार हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण में तमाम सरकारी मशीनरी के अलावा अभियंताओं व स्टाफ की लंबी चौड़ी फौज तैनात है। बावजूद इसके 366 अवैध कॉलोनियां विकसित कर दी गई। समझा जा सकता है कि किस तरह बेतरतीब निर्माण को रोकने के लिए तैनात इस फौज में राजस्व को कितना नुकसान पहुंचाया होगा। इन अभियंताओं की लंबी चौड़ी फौज के संरक्षण में भले ही कॉलोनी काट दी गई हो, लेकिन गर्दन बचाने के लिए इन्होंने कागजी कार्रवाई करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। इनमें कच्ची कॉलोनियों में एक बड़ी तादाद ऐसी अनधिकृत कॉलोनियों की भी है जिनके ध्वस्तीकरण के आदेश या तो हो गए हैं या फिर प्रक्रिया में है। ये आदेश सिर्फ फाइलों में दफन है और मौके पर बिल्डर भोले भाले लोगों की आंखों में लगातार मिर्चे झोंक रहे हैं। उदाहरण के रूप में मवाना रोड पर निर्माणाधीन जेपी रेजिडेंसी को भी लिया जा सकता है। अनुराग अग्रवाल द्वारा बनाई इस कॉलोनी को लंबे समय तक अखबारों में विज्ञापन देकर एमडीए से अप्रूव दिखाया गया। अखबारों में फुल प्रथम पेज के इन विज्ञापनों को देखकर तमाम भोले भाले लोग लुभावने दावों का शिकार हो गए हैं। और प्राधिकरण ने जो कच्ची कॉलोनी की सूची जारी की है उनमें जेपी रेजिडेंसी का भी नाम शामिल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरा।